अंकल साजिद आ चुके हैं, वो सामने वाले जो है कार अंकल साजिद किया है, तो उसके पास हम जा रहे हैं। अब सफर जो हमारा रिस्टार्ट हो चुका है इस्लामाबाद का, तो माशाल्लाह 10 पे हम बैठ चुके हैं कोच पे, और बहुत ही अच्छी है और बहुत ही ज़बरदस्त है। चेक करें और आगे एसी भी लगी हुई है और मूवी भी देख रहे हैं और सीटें भी सही है, बैठे हुए हैं। सफ़र अपना कंटिन्यू रखते हैं। अभी जो है हम खा रहे हैं खीरनी, और रात का टाइम है तो इसलिए खीरनी खा रहे हैं, और सामने एलसीडी लगी हुई है, टीवी भी देख रहे हैं और खीरनी भी खा रहे हैं। टेस्ट करके बताएं वो कैसी है। कैसी है? अच्छी है। तो फिर मैं भी खाना शुरू करता हूँ। खीरनी मज़ेदार, यमी और टेस्टी लग रही है। खीरनी है भी मेरी बहुत फेवरेट। फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं रावलपुर, और ये पहली चेक पोस्ट है। यहाँ से चेकिंग होगी। चेकिंग होने के बाद फिर हमारा सफ़र जो है आगे कंटिन्यू होगा। अभी जो इधर मिल गया ब्रेक, तो इधर जो है ये ठहर गया है बस, और हम इधर ठहर के रेस्ट करते हैं और कुछ खाते पीते हैं इधर से। ये ढाबा साथ बना हुआ है, और बस इधर अपनी जो है ट्यूनिंग करवा लेगी, अपने टायरों के अंदर हवा और फ्यूल जो है वो भरवा लेगी, तो हम जो है कुछ खा लेंगे तब तक। तो अबू गए हुए वाशरूम, तो अभी इधर बैठ के कुछ खाते हैं। मेरी फूफो और हम इधर बैठे हुए हैं। अभी हम करने लगे हैं डिनर, क्योंकि बाद जो अपने स्टाप पर रुक गया और एक और बस भी आके इधर ठहर गया है, तो अभी जो है हम डिनर करते हैं। बस वाले ने जो है अभी हॉर्न मार दिया है, तो अभी हम जा रहे हैं वापस बस के अंदर। तो अभी बस के अंदर बैठते हैं और बस जो है फिर से रवाना होगी हमारे सफ़र की तरफ, और हम फिर से जाते हैं अपने सफ़र की तरफ। और जो अभी रात के बज रहे हैं तकरीबन 3 या 4 बज रहे हैं, और ये देखें इस्लामाबाद, पता नहीं इस्लामाबाद तो नहीं है, पता नहीं है कौन सा शहर है, तो इधर कितनी लाइटिंग है। और अभी जो है ये बोल रहे हैं कि 5 या 6 बजे जो है इस्लामाबाद गाड़ी पहुंच जाएगी, तो रात का सफ़र हम तय कर रहे हैं और नींद भी नहीं आ रही, तो पहले जो है नींद थोड़ी सी कर लिए, तो अब जो है नहीं आ रही। तो इधर बैठा हूँ, मैंने कहा आपके साथ भी ये व्यू शेयर कर दूँ, और ये देखें कितना प्यारा व्यू हो रहा है। और सुबह भी हो जाएगी तकरीबन 2-2.5 घंटे के बाद, ट्रैफिक भी जा रही है सारा कुछ। अभी जो है अपने स्टाप पे उतर चुके हैं, और रात का टाइम है, 2 घंटे पहले मैंने एक क्लिप बनाया था, और 2 घंटे बाद जो है इसने हमें हमारे स्टाप पे छोड़ भी दिया। अगर इस जगह पे होती ट्रेन, तो अभी तक जो है हम सफ़र में होते हो, और अभी जो है शुक्र अल्लाह का, और सामान जो इधर हमने अपना रख दिया है, और काफ़ी लोग जो है अपनी बाइक भी लेके आए हैं इसके अंदर, और ये देखें फुल जो है भरा हुआ है सामान। एक और भी बस पीछे ठहरी हुई है, एक नहीं 2 ठहरी हुई हैं यहाँ पे जो ये स्टॉप है फैज़ाबाद, तो इधर हम ठहरे हुए हैं। अंकल साजिद आ रहे हैं हमें पिक करने के लिए, तो वो मुझे उनको फ़ोन कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं मैं आ रहा हूँ रास्ते में हूँ, वो जो है लेट हो गए थे क्योंकि रात है ना, हर पुलिस खोया हुआ होता है। अंकल साजिद आ चुके हैं, वो सामने वाले जो है कार अंकल साजिद किया है, तो उसके पास हम जा रहे हैं। अब उन्हें कुछ सामान उठाए, कुछ मैंने और कुछ अभी ने, तो अभी चलते हैं अंकल साजिद के पास। देखे भाई कितनी ज़्यादा बारिश बनी हुई है, इधर रात को बारिश होती भी रही है, और काफ़ी खूबसूरत माहौल बना हुआ है इधर, काफ़ी खूबसूरत और बेहतरीन, और काफ़ी मज़ा आ रहा है। ठंडी हवा भी चली हुई है और सर्दी भी काफ़ी लग रही है, तो अभी चलते हैं अंकल साजिद के पास। वो गाड़ी ठहरी हुई है, चलते हैं उनके घर, और काफ़ी सर्दी है ना गाड़ी के अंदर, फिर शीशे बंद होंगे तो इतनी सर्दी नहीं होगी। ये देखें कितना ज़्यादा गहरे घने काले बादल बने हुए हैं, ये देखें बहुत ज़्यादा सर बारिश का मौसम है। अब मुझे बैग धो ले। तो फाइनली अभी हम जा रहे हैं साजिद भाई के घर और तारा बहन के घर, तो माशाल्लाह बारिश भी हो रही है और मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है, और ठंडा भी है, तो अभी चलते हैं और जो है ना वहाँ पर स्टे करते हैं। माशाल्लाह यहाँ पे देखें हरियाली, देखें खुले रोड, बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारे प्यारे माशाल्लाह, और ऊपर बादल, देखें बादल। अरे वाह भाई वाह, मौसम तो आज बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है। अरे वाह भाई वाह, आज तो मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो गया, और ये चेक करें हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही है, हल्की हल्की सी, और जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन मौसम। और भाई इलाका देखें, पहाड़ी इलाका है बिल्कुल, और बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ज़बरदस्त है मौसम, तो भाई आला, जैसे बोलते हैं ना आला मौसम, बहुत ही आला मौसम है। जब से हम आए हैं ना, हल्की हल्की सी बारिश होती है, कभी तेज़ हो जाती है, कभी हल्की हल्की सी, अभी बिल्कुल थम गई है, कुछ देर पहले बहुत ही तेज़ हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू यूट्यूब फैमिली, तो मैं आज काफ़ी लोगों की स्टार्ट कर रहा हूँ यहीं पे इस्लामाबाद में। भाई रास्ते में तो नहीं किया आगाज़,
तो ये आपका सलाम का आगाज़ मैं यहीं से कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ जो है मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लिया करें और मेरी वीडियो भी मुकम्मल करें। तो यूट्यूब फैमिली आप हमारी वीडियो से बने रहिएगा। यूट्यूब फैमिली तो ये देखें, जब से हम आए हैं तो बारिश ही बारिश है और ये चेक करें, जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी पानी ही पानी होगा और बारिश ही बारिश होगी। हर जगह हर इलाका जो है ना ऐसे ही पानी से भरा हुआ है और हर कोई जो है अंदर है, क्योंकि बारिश इतना ज़्यादा है था कोई बाहर भी नहीं निकल पा रहा। और अभी भी बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं अभी भी बारिश हो रही है, अभी भी ये चेक करें बुलबुले आ रहे हैं बारिश के। तो माशाल्लाह मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है और ठंडा भी है और प्यारा भी है, तो माशाल्लाह मौसम बहुत ही अच्छा है। तो इंजॉय हम भी कर रहे हैं और साथ में आप भी इंजॉय करते रहें। तो अभी हम जो है ना घूम फिर रहे हैं, मैं और मेरी वाइफ। हाँ, कैसा लग रहा है आज? बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, मौसम कैसा है? मौसम कैसा प्यारा है और बारिश तो भाई यहाँ पे थमने का नाम नहीं ले रही। ये चक्कर ये देखो, बारिश तो भाई रुकने का नाम नहीं लेनी। अभी कितनी तेज हो रही थी बहुत, बादल कैसा गरज रहा, नींद में डर गई थी। मैं बस अंदर उस टाइम नमाज पढ़ रहा था तो बहुत ही तेज बारिश हुई, बहुत ज्यादा गज रहा था, डर गई, बहुत डर गई। अरे नींद उखड़ गई। अच्छा, नींद डर गई। सफर कैसा रहा? अच्छा रहा। अच्छा रहा ना, बहुत अच्छा रहा। तो बस कैसी थी? अच्छी नहीं थी बस? बस तो अच्छी थी है ना, बस तो पहली बार बैठी हूँ। हाँ, बस बहुत अच्छी थी और बहुत ही जबरदस्त थी। और उसने कैसी जल्दी पहुँचाया है? पता नहीं चला, सुबह सुबह 5 बजे नहीं तकरीबन 6 बजे तक पहुँचाया था। तो मैं उस टाइम नींद आ गई थी, जब उठे उन्होंने आवाज़ दी कि उठ जाओ उठ जाओ। अब क्या करें, साजिद भाई को नंबर मिलाया तो काफ़ी दूर था, तकरीबन घंटा लगा उसको आने में। हाँ नहीं, मुझे क्या पता, मैंने कहा हम उधर से 9 बजे बैठे थे, मैं हमने कहा 9 बजे तक पहुँचेंगे, मुझे क्या पता इतनी। आप तो बता रहे थे 9 बजे पहुँचेंगे। हाँ, तो इतनी उसने तेज़ भगाई कि इतनी तेज़ भगाई कि 6 बजे आके हमें यहाँ पर उतार दिया। और साजिद भाई बहुत दूर थे, पूरा घंटा लगा उसको आने में। आप जब हम आए थे कितना पूरा घंटा लगा, घंटा पूरा लगा है ना, बहुत दूर बैठे हैं। तो माशाल्लाह जगह अच्छी है, प्यारी है सितारा बहन की। हाँ, बहुत प्यार नसीब बच्चे करे, बाकी बहुत ही प्यारी है, बहुत ही प्यारी है। जैसे ये मौसम प्यारा है ना, मौसम इसी तरह उनकी जगह भी माशाल्लाह वैसी है, बहुत ही प्यारी है। और अल्लाह उनको नसीब करे। हाँ, और माशाल्लाह खुश कैसी हो गई थी? ज्यादा दे अल्लाह पाक उनको। बिल्कुल, और खुश कैसी हो गई थी? बहुत ही खुश हो गई सितारा है ना, बहुत खुश। और आयत की, अरे भाई आयत तो बहुत ज्यादा खुश हो गई। शानी आंटी आ गई। चलो आयत भी खुश हो गई, बच्चे सब खुश हो गए। पूछ रही थी मेरी जा आपको कैसे लगी? हाँ, पहली बार देखा है सितारा बहन। हाँ, वाकई बहुत ही प्यारी है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी है माशाल्लाह, नसीब करे अल्लाह। हाँ, अल्लाह इससे भी उसको बड़ी जगह दे। हाँ, क्योंकि उन्होंने तो ही सब ये पौधे लगाए हैं। हाँ, सारे पौधे उन्हीं के लगाए हुए हैं जी इंशाल्लाह। हाँ, और बाकी उनको गिफ्ट दिया नहीं दिया? गिफ्ट दे दिया, दे दिया। हाँ, गिफ्ट दे दिया क्योंकि घर के उनके वीडियो में बनाते। हाँ, ये तो बात है, ये तो क्योंकि उन्होंने एक रूल रखा है तो उसको। हाँ, उन्होंने बोला नहीं है कि आप बनाओ या ना बनाओ, लेकिन हमें पता है, हमें पता है। हाँ, जब हमें पता है तो फिर साफ जहर है, फिर ऐसे हम कैसे कर सकते हैं जब हमको पता है। हाँ, कैसे उनके बगैर, ये तो है। गिफ्ट उनको दे दिया मैंने, खुश हुई थी। बाजी बिल्लो भी खुश हो गई। बाजी बिल्लो तो बहुत खुश हो गई क्योंकि हम तो पहली दफा है ना उनके घर में। हाँ, पहली बार है। हाँ, पहली बार है। सितारा बहन भी पूछ रही थी कि पहली दफा आप आए हो? मैंने कहा हाँ पहली दफा, पहली बार आए हो, मेरा घर कैसा लगा आपको? हाँ, वाकई खुश होकर पूछ रही थी। वाकई माशाल्लाह बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा है और अच्छा भी बहुत लग रहा है। सब बहुत खुश है, जगह पे है, जगह भी अच्छी है। देखो मुस्तफा तैयबा और कैसे खुश हो गए। मुस्तफा जब उठा बहुत ही खुश हो गया, तैयबा भी। तैयबा तो भाई छो नहीं रही सुहेल को। हाँ भाई, और आयत, आयत आयत तो वैसे मेरी बेटी है। हाँ, आयत को चीज दी उसकी। हाँ, उनकी चीज दे दी, दुकान की चीज। आते ही बोलने लगी चीज चीज चीज, चीज। मैं पता था चीज लेगी। अच्छा, आप घर से लेके आई थी? घर दुकान पे लेके आई थी। अच्छा, हर चीज जो चीज पड़ी थी थोड़ी थोड़ी सब चीज लेके आई थी। अच्छा, मुझे पता था आयत मांगेगी। हाँ, आयत
जब भी आपको देखते थे हाँ आया थे ना, जैसी देखा तो बोलने लगी चीज 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 चीज। आपसे बहुत मानूस है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। और कल मीटअप भी है, कल मीटअप भी है को तो तैयारी अच्छी से करनी है। कमेंट आ रहे हैं कि आपने तैयारी अच्छी से करनी है, क्योंकि आप जो है ना अच्छा बन के जाएंगे तो सब, क्योंकि बड़े लोग भी होंगे, यूट्यूबर वगैरह सब होंगे, तो आप कपड़े अच्छे लाई हो कि बस ऐसे ऐसे लाई हो? अच्छे लाई हो। अच्छे लाई हो। आँखें आपकी अभी भी लाल लाल सी है। बहुत दर्द था रात को। चलो बार ऐसे बस में बैठी था, थोड़ा मुझे तो अजीब लगा था। अच्छा वो ऐसे ही होता है। बाकी सफर ऐसे अच्छा गुजरा है ना? सफर अच्छा गुजरा है और जल्दी में गुजरा है। ये देखो भाग के आ गया कौन, सुहेल। अच्छा चलो। और पार्क कैसा है? ये बहुत ही प्यारा है ना, छोटा सा है, छोटा सा है और बहुत ही प्यारा। और यहाँ ये पता ही ये किस चीज के लिए बना हुआ है? पता नहीं, पता नहीं। ये है वॉक करने के लिए सुबह सुबह, यानी कि आप इस पे वॉक करो, ऐसे घूमते रहो। हाँ ऐसे घूमते रहो, ऐसे घूमते रहो, ऐसे घूमते रहो, ये वजह है इसलिए बनाया। और देखें अब कैसे लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना? हाँ तो बस यहीं पर अपना ब्लॉग भी एंड करते हैं ना। तो आप आज व्लॉग आप एंड करो, यहीं पे अपना व्लॉग भी एंड करते हूँ। हमारा व्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में बताओ हमारा व्लॉग आपको कैसा लगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। ये मुझे नहीं आता, सॉरी। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। सीख लूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।